चल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर पिछले महीने हुए चुनाव में खरीद फरोख्त का मामला विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव तक पहुंच चुका है। निर्दलीय विधायक सैम लोढ़ा ने भाजपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा था। वहीं भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। भाजपा विधायक अशोक लाहोटी, सुभाष पुनिया, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत सहित 5 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव सचिव को सौंपा। अब दोनों ही मामलों में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को फैसला करना है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने बेवजह उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया, तो वही मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इसको भाजपा की बौखलाहट करार दिया। विशेषाधिकार का विषय करता है, कारण ये कि 23 लोग कौन है, व्यक्तिगत किसी भी आदमी का नाम नहीं है। अगर वो विशेषाधिकार का सवाल बन गया तो मैंने उसके साथ ये कहा था, अगर उनको विशेषाधिकार का मामला को देखा इतना ही उनको बनाने का शौक था तब करके, ये तो ये समझ लीजिए उनका तो लग रहा है कि जनता सवाल पूछ रही है। जो पूरा प्रकरण हुआ है पहले जनता को उस पर विश्वास है कि ऐसा था और हमने उसको नाकाम किया और आगे भी ऐसी सारी कोशिश